अरे अरे आंटी, मैं आपको टच कर सकता हूँ? बेटा तू अपनी उम्र देख और अपने शब्द देख, तू यूज क्या कर रहा है? तू पागल हो गया क्या? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ना आपको टच किया ना आपको गाली दी। बच्चे नहीं, उम्र देख, क्या बकवास किया जा रहा है तू? अरे आंटी बस भी करिए, मुझे पता है ये सब ना नॉर्मल है। नॉर्मल है? बेटा ये तुझे सिखा कौन रहा है? ये सब ना मैंने अपने पापा से सीखा है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया। बेटा तू और तेरे पापा ना दोनों जेल जाओगे आज। बता कहाँ है तेरे पापा, मिलवा जरा मुझे। वो बाहर बैठे हैं। चल मेरे साथ। ये बदतमीज बच्चा तुम्हारा है? जी ये बच्चा मेरा है। क्यों, क्या हुआ और आप कौन है? मैं कौन हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क किससे पड़ना चाहिए कि तुम्हारा बेटा करता क्या फिर रहा है? बाजार में जाके लड़कियों को छेड़ रहा है, मुझे छेड़ के आया भी है। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? अरे वो छोटा बच्चा है, वो किसी लड़की को कैसे छेड़ सकता है? पापा आप रोज तो ये सब करते हो मम्मी के साथ। मम्मी के साथ? पापा ना रोज ऐसे करते हैं मम्मी के साथ, और मम्मी मना भी करते हैं पर पापा मानते ही नहीं। निखिल बस भी कर, ये क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा बिल्कुल। हाँ आंटी, हमें ना स्कूल में सिखाया गया है गुड टच और बैड टच के बारे में। जो पापा मम्मी के साथ करते ना वो बैड टच में आता है। निखिल अरे हाथ हटाओ उसके मुंह से, बोलने दो उसे। मैडम देखिए आप अपना ना काम करिए, जाइए यहाँ से, और इसमें जो भी आपका चुन्नी उड़ाई ना उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, जाइए यहाँ से। माफी माय फुट, तुम उसके मुंह से हाथ हटाओ, मैं सुनना चाहती हूँ वो क्या कहना चाहता है। बेटा तुम बेझिझक को सब सच बताओ मुझे, और तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। हाँ आंटी मैं जानता हूँ, आप एडवोकेट हो। एडवोकेट? बेटा तुम्हें कैसे पता कि मैं एडवोकेट हूँ? हाँ आंटी, हमें ना स्कूल में ये भी सिखाया गया है जब किसी को प्रॉब्लम होती है ना तो एडवोकेट या पुलिस के पास जाना चाहिए। और हमें साइन के बारे में सिखाया गया है जो आपकी गाड़ी के पीछे था एडवोकेट वाला, इसीलिए तो मैं आपके पास आया था क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए थी। देखिए मैडम आप होंगी एडवोकेट, लेकिन ये ना मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरा बेटा है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। इससे जो भी गलती करी है ना मैं उसकी माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं आंटी आप यहाँ से मत जाना, जब आप चले जाओगे तो मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे, ये बहुत बैड पापा है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है और मेरी मम्मी को भी, मेरी मम्मी बहुत प्रॉब्लम में है। हाँ बेटा मुझे दिख रहा है साफ साफ कि तुम्हारे पापा कितने बैड पापा है, कितना बदतमीज इंसान है। बेटा तुम ना बहुत बहादुर हो और बहुत समझदार भी, घर जाके अपनी मम्मी को बोलना कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी आज के बाद इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा को तो मैं देखूंगी। ओ मैडम मेरी ना बात कान खोल के सुन लीजिए, आप ना ये अपनी खोखली दम के अपने पास रखिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अरे आपको हो क्या गया यार, मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्सनल मैटर है मेरा, ये मेरा बेटा है, वो मेरी बीवी है, मेरा जो मन में आएगा ना मैं वो करूंगा। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? थोड़ा सा कानून का पाठ क्या पढ़ लिया, आगे मुझ पे झाड़ने वाली? चली जाइए यहाँ से। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे के सामने से वाहियात हरकतें करते हो? चुपचाप ना अपने बेटे को अभी घर ले जाओ, और हाँ बेटा ये लो मेरा कार्ड, इस पे मेरा नंबर है, अगर आज के बाद तुम्हारे पापा तुम्हें या तुम्हारी मम्मी को कुछ भी कहे ना तो मुझे कॉल करना, मैं इन्हें खुद देख लूंगी। और हाँ भाई साहब, ये आपका जो पर्सनल मैटर है ना तब तक ही पर्सनल है जब तक आपके घर पर है, अब ये बाहर आ गया तो इसे तो मैं ही देखूंगी। और तब पे अत्याचार करते हो, शर्म नहीं आती, ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगी ना तुम पे कि जेल में सड़ते रहोगे पूरी जिंदगी। नहीं मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं अपनी बीवी के ऊपर ऐसा अत्याचार करता था, आज के बाद मैं अपनी दीदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उससे जाके माफी मांग लूंगा। और ये कार्ड आप ले जाइए, ना ही इसकी जरूरत ना मेरे बेटे को पड़ेगी और ना ही मेरी बीवी को, क्योंकि आज ही घर जाके मैं अपनी बीवी से माफी मांग लूंगा। और बेटा तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके पापा, आप अच्छे पापा बन जाओ। हाँ बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं एक अच्छा पापा जरूर बन जाऊंगा, बस तू मुझे माफ कर दे। और मैडम आप भी मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों बच्चों के पहले टीचर्स ना उनके माँ बाप होते हैं, कहते हैं ना कि बच्चे अपने माँ बाप का ही प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए माँ बाप को कभी भी अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उन पर बुरा प्रभाव डाले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हाँ इस पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।